आइए अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की सैर पर। सूर्य के घोड़े और कैंगरूज की दौड़ के बीच सिमटी हुई है ऑस्ट्रेलिया की जिंदगी और सुंदरता। ऑस्ट्रेलिया के नाम से सबसे पहले जो चीज जहन में आती है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल से बनी 2500 किलोमीटर लंबी ये दीवार बहुत ही अद्भुत है। यहाँ का इकोसिस्टम भी बहुत ही रोमांचकारी है। इस रीफ का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है हार्ट रीफ। वन गुड थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज दैट टूरिज्म बहुत डेवलप्ड है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप जहां भी जाएं, जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, देयर इज वेरी इजी हेल्प अवेलेबल। इन्फॉर्मेशन बहुत इजिली अवेलेबल होती है, हेल्प बहुत इजिली अवेलेबल होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू डिस्कवर द प्लेस विदाउट वरिंग। तो जैसे अगर आप ग्रेट बैरियर रीफ जाते हैं और आपको, हमें नॉर्मली विल बी वरिड एज अ ट्रैवलर कि कहीं कोई आप वाटर में जाएंगे, कहीं कोई आपको कोई सी एनिमल स्टिंग ना कर जाए या कोई फिश स्टिंग ना कर जाए, या स्लिपरी है कि सेफ है, कौन सा डेंजरस एरिया है, कौन सा सेफ एरिया है बच्चों के लिए, खुद के लिए। बट देयर इज सो मच हेल्प अवेलेबल ओवर देयर दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीस थिंग्स। ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक और लुभावनी चीज याद आती है और वो है यहाँ के बीचेस। ये बीचेस मीलों लंबे हैं। ग्रेट स्ट्रेच ऑफ ओशन संसार के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। यहाँ के नीले समुद्र की खूबसूरती बयां से परे है। इन बीचेस पर हर तरह के मॉडर्न स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको बीच हॉलीडे ज्यादा पसंद है, बॉन्डी बीच एक बहुत फेमस है सिडनी के पास। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन द वर्ल्ड। तो इफ समवन इज प्लानिंग अ हॉलीडे टू सिडनी, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड नॉट टू मिस ट्रिप टू बॉन्डी बीच एंड स्पेंड अ डे देयर। बिसाइड सिडनी गोल्ड कोस्ट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर हनीमूनर्स के लिए स्पेशली। गोल्ड कोस्ट जैसे नाम है, इट्स अ बीच साइड सी साइड डेस्टिनेशन। तो वहाँ पर कई रिजॉर्ट्स हैं, बिल्कुल लग्जूरियस रिजॉर्ट से लेकर बेसिक बजट अकोमोडेशन के लिए सारे ऑप्शंस हैं, दे आर वेरी गुड ऑप्शंस। अगर आप चाहें तो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, वाटर स्कीइंग कर सकते हैं, जेट स्कीइंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर गोल्फ कोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं गोल्ड कोस्ट के पास। ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित उलुरु रॉक भी विश्व में अनोखा है। ऑस्ट्रेलिया की एक और विश्व प्रसिद्ध जगह है यहाँ का कैंगरू आइलैंड। कैंगरूज के इस टापू में पांडा, पेंगुइन और जिराफ भी देखे जा सकते हैं। कैंगरू आइलैंड इज वन ऑफ द लार्जर आइलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, एंड वहाँ पर उनके नेचुरल वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं। Where you can spend the day, you can see the kangaroos, koala bears, sea lions. Ek seal park hai where you can feed the sea lions and you see the sea lions. Penguins bhi hain wahan par, sea horses bhi hain. So they also have the world's one of the world's largest aquariums over there. Jahan par aap underwater you can walk on the floor of the ocean. Unhone aise create kiya hua hai jo unka एक्वेरियम है। इट्स अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। ऑस्ट्रेलिया जाएं तो यहाँ के डेविल मार्बल्स जरूर देखें। 200 करोड़ साल पुराने इन मार्बल्स को कभी यहाँ के लोग सांप का अंडा समझते थे। करोड़ों साल पुराना यहाँ का वेव रॉक भी देखने लायक है। सिडनी हार्बर बीच की बनावट भी आपको आश्चर्य में डाल देती है। अगर आप शॉपिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिल्डिंग क्वीन विक्टोरिया जरूर जाएं। ये विश्व के चुनिंदा प्रेस्टीजियस शॉपिंग सेंटर्स में से एक है।
ऑस्ट्रेलिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक चीज जो हम आपको बताना भूल गए वो है ऑस्ट्रेलिया का रोमांटिक ट्रैम रेस्टोरेंट। यहाँ का सी फूड, एम्बियंस और हॉस्पिटैलिटी दिल को छू लेने वाली है। The best way to go would be या तो आप क्वांटास ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन जो है उससे जा सकते हैं, नहीं तो कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कैरियर हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज, कैथे पैसिफिक, दे ऑल ऑफर गुड डील्स टू ऑस्ट्रेलिया। अप्रोक्सीमेट एयरफेयर इज अबाउट स्टार्ट्स विद 27,000-28,000, बट टैक्सेस ऑस्ट्रेलिया के काफी हाई हैं। सो कीप इन माइंड दैट अगर आप ऑस्ट्रेलिया का कोई फेयर देखते हैं दैट इज एडवर्टाइज a low fare, keep in mind that taxes to Australia are very high. So the lowest tax you would pay would still be about 11,000-12,000. Normally hum jab Europe vagera ke liye taxes add karte hain to 6,000-8,000 ke taxes hote hain, but Australia mein depending on the airline taxes sometimes are as high as 17,000-18,000. To aapka jo actual payment hota hai, what you eventually end up paying is in the range of 40,000-45,000, even up to 50,000 depending on the carrier that you pick. ऑस्ट्रेलिया जाना भी बहुत आसान है। यहाँ जाने के लिए भारत के कई टूर ऑपरेटर्स कम से कम दामों में पैकेजेस उपलब्ध करा रहे हैं।